जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले साइंस बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बार बार आर्मी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना पहला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज, यानी संसार का सबसे छोटा पुष्प है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रफलेशिया, कमल, गुलाब या वुल्फिया। तो दुनिया का जो सबसे छोटा फूल है, द स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, वुल्फिया। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा फूल है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कमल, सूरजमुखी, रेफ्लेशिया या ग्लोरी लिली। तो विश्व का जो सबसे बड़ा फूल है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया फूल लगभग 15 kg तक बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ सर्कल्स, यानी जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पुष्प, पत्ती, तना या जड़। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, पुष्प। ठीक है, क्योंकि जब पुष्प से ही उस पेड़ों के अंदर प्रांगण होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, एनिमोफिली इज द पोलिनेशन, यानी एनिमोफिली परागण है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा या जल द्वारा। तो एनिमोफिली के अंदर जो परागण होता है वो किसके द्वारा आता है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, वायु द्वारा। या सवाल उल्टा पूछ सकते हैं कि वायु द्वारा परागण है वो क्या कहलाता है? तो एनिमोफिली। अगला क्वेश्चन है अपना, एंटीमोफिली इज पॉलिशन, यानी एंटीमोफिली प्रांगण है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा या जल द्वारा। तो एंटीमोफिली जो प्रांगण होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, कीटों द्वारा। या सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं इसको कि कीटों द्वारा पौधों के अंदर प्रांगण को क्या कहते हैं? तो एंटीमोफिली। अगला क्वेश्चन अपना, पोलिनेशन ऑफ फ्रेग्रेंस फ्लावर टेकन फेलस बाय, यानी सुगंधित पुष्पों में प्रांगण किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा या जल द्वारा। तो जो सुगंधित फूल होते हैं उनमें प्रांगण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, कीटों द्वारा। अगला क्वेश्चन अपना, एन एग्जाम्पल ऑफ ए वर्चुअल फ्रूट इज, यानी आभासी फल का उदाहरण है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सेब, अमरूद, आम और टमाटर। तो इनमें से आभासी फल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, सेब। अगला क्वेश्चन अपना, द एडिबल पार्ट ऑफ ए कोकोनट इज, यानी नारियल का खाने योग्य भाग है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, फल भित्ति, भ्रूणपोष, पूर्ण बीज या बीजावरण। तो नारियल का जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन अपना, द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लैनेट इन द वर्ल्ड इज, यानी संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बांस, चावल, मनी प्लांट या टीक। तो दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, बांस। अगला क्वेश्चन अपना, विच इज द टॉलेस्ट प्लैनेट इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, यूकेलिप्टस, टेरोकार्पस, पॉलीएथिलिया या टेक्टोन। तो विश्व का जो सबसे लंबा पौधा है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, यूकेलिप्टस। और ध्यान रखना ये पौधा है, यूकेलिप्टस क्या है? पौधा एक। अगला क्वेश्चन अपना, द टॉलेस्ट लिविंग ट्री इज, यानी विश्व का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, यूकेलिप्टस, सिकुआ, देवदार या प्रणांग। तो विश्व का जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, सिकुआ या स्क्वेया। अगला क्वेश्चन अपना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यानी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कुल, वर्ग, जाति या जीनस। तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जाति। अगला क्वेश्चन अपना, बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो इज, यानी आम का वनस्पतिक नाम क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मूसा सेपियंटम, डोकस केरेटा, मेंजीफेरा इंडिका या इनमें से कोई नहीं। तो जो आम है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, मेंजीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन अपना, विच पेयर इज फॉल्स रिलेटेड टू द बॉटनिकल नेम ऑफ द प्लैनेट, यानी पौधों के वनस्पतिक नाम से संबंधित कौन सा युग्म असत्य है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है अपने पास जिया मेज मक्का, ओराइजल सेटाइवा चावल, हार्डियम बुल्गेरियम बाजरा या ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं। तो देखो, जिया मेज मक्के का वैज्ञानिक नाम है, ओराइजल सेटाइवा चावल का है,
टीटिकम एस्टिवम गेहूं का है, जबकि हार्डिवियम बुल्गेरियम ये अपना गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन अपना द साइंटिफिक नेम ऑफ टी इज, यानी चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। चार ऑप्शन दे रखे, निकोटीना टोबैकस, कैमेलिया सिनेंसिस, ओसिमम स्कैंटम या कॉफिया अरेबिका। तो चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, कैमेलिया सिनेंसिस, या इसको थियासाइनेंसिस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट इज क्लॉव, यानी लौंग क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तने की गांठें, जड़, पत्तियां या सूखे हुए फूल। तो लौंग क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, सूखे हुए फूल। अगला क्वेश्चन है अपना कुनेन इज फाउंड नेचुरली इन विच पार्ट ऑफ द सिनकोना प्लैनेट, यानी कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जड़, फल, बीज या छाल। ठीक है, कुनेन एक मादक पदार्थ है जो किस पेड़ में पाया जाता है, सिनकोना के अंदर, और किस भाग से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, उसकी छाल से। अगला क्वेश्चन अपना विच हार्मफुल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन टोबैको लीव्स, यानी तंबाकू की पत्तियों में कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कैप्साकिन, कैल्चोसिन, निकोटीन या एस्प्रिनिन। तो तंबाकू की पत्तियों में कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है जिससे हमें कैंसर होने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, निकोटीन। अगला क्वेश्चन है अपना फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लैनेट इज कॉफी ऑब्टेंड, यानी पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पुष्पों से, बीजों से, पत्तियों से या फलों से। तो पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, जो उसके बीज होते हैं उन बीजों से कॉफी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लैनेट इज टी ऑब्टेंड, यानी पौधों के किस भाग से चाय प्राप्त होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पुष्पों से, बीजों से, पत्तियों से या फलों से। तो पौधों के किस भाग से चाय प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, उनकी पत्तियों से। इन तीनों का ध्यान रखना, जो कुनेन होती है वो छाल से प्राप्त होती है, कॉफी बीजों से और चाय पत्तियों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन अपना पल्सेस आर द गुड सोर्स ऑफ, यानी दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या सेल्यूलोज। तो दालें किसका सबसे अच्छा स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन अपना विच वेजिटेबल फूड हैज मैक्सिमम प्रोटीन्स, यानी किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चना, मटर, सोयाबीन और अरहर। तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो किस में होता है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स मेक्स द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आलू, सोरगम, सूरजमुखी या मटर। तो कौन सा फसल है जो मृदा के अंदर नाइट्रोजन से भरपूर, नाइट्रोजन भरपूर होता है उसके अंदर मृदा में। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, मटर के अंदर। अगला क्वेश्चन अपना तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तारपीन ऑयल इज ऑब्टेंड फ्रॉम्स, यानी चार ऑप्शन दे रखे हैं, नेटम से, साइकस से, देवदार से या चीड़ से। तो तारपीन का जो तेल है वो किस से प्राप्त, किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीड़ के पेड़ से। अगला क्वेश्चन है अपना विच प्लैनेट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर्स, यानी किस पादप को शाखीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट दो। अगला क्वेश्चन है अपना फ्रॉम हूज सीड इज बायोफ्यूल ऑब्टेंड, यानी जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जामुन, जकरौंदा, जेट्रोफा या जूनिवर। तो इनमें से किसके बीजों से जैव ईंधन या जैविक ईंधन प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जेट्रोफा से। इसको हिंदी में रतनजोत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीस, यानी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पीसम सेटवम, रोजा हाइब्रिडा, बॉस इंडिकस, कैरोसियस ओरेंटस। इनमें से मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, पीसम सेटवम। अगला क्वेश्चन अपना हाउ मेनी एसेंशियल एलिमेंट आर नीड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैनेट्स, यानी पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 6, 10, 16 और 21। तो पौधों की अगर एक अच्छी तरीके से वृद्धि करनी है तो उनके लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 16। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना व्हाट इज द रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर फ्रॉम द लीव्स कॉल्ड, यानी पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या बिंदु श्रवण। तो अगर पेड़ पौधों की पत्तियों में से जो पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना
व्हाट इज ए ट्रांसपिरेशन मीटर यानी वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हाइग्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, पोटोमीटर या क्लाइनोमीटर। तो जो पेड़ पौधों से जो पानी वाष्प के रूप में निकलता है उसको नापने का यंत्र क्या है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, पोटोमीटर। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को नापने का यंत्र क्या है, पोटोमीटर। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ लीव्स यानी पत्तियों के दो प्रमुख कार्य क्या होते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन, श्वसन और पाचन, प्रकाश संश्लेषण व श्वसन, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। तो पत्तियों के दो जो प्रमुख कार्य है वो क्या है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पेड़ पौधों के जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड्स फॉर प्लैनेट्स एंड ट्री इज कॉल्ड यानी पौधों एवं पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बो हाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेटाइजेशन या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो पेड़ पौधों के खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट कम्स आउट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें कौन सी गैस बाहर निकलती है। चार ऑप्शन देखें, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन अपना, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट इन यानी प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। चार ऑप्शन देखे हैं, बैंगनी रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में या लाल रंग के प्रकाश में। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो सबसे अधिक कहाँ होती है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन अपना, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लोएस्ट इन यानी प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बैंगनी रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में या लाल रंग के प्रकाश में। तो प्रकाश संश्लेषण की दर वो सबसे कम कहाँ होती है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, बैंगनी रंग के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन अपना, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रात्रि में, दिन और रात में, रात में या दिन में या केवल दिन में। तो प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधों के खाना बनाने की प्रक्रिया है वो सिर्फ केवल दिन के अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर ट्री द एट नाइट बिकॉज यानी रात्रि में पेड़ वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि ऑप्शन दे रखा अपने पास, ये रात्रि में CO2 छोड़ते हैं, ये रात्रि में O2 छोड़ते हैं, ये रात्रि के समय CO2 और O2 दोनों छोड़ते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ पौधों के नीचे रात को सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि ये रात को C2 गैस छोड़ते हैं। ठीक है, दिन को लेते हैं और रात को छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ATP यानी ATP का अभिप्राय है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसिन टेटाफॉस्फेट। तो ATP की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन अपना, 2,4-D क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कीटनाशक, विस्फोटक, कवकनाशक, खरपतवार नाशी। तो 2,4-D क्या है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, एक खरपतवार नाशक है। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज फ्रूट रिपाइनिंग हार्मोन यानी फल पकाने वाला हार्मोन है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिब्रेलिन, इथिलीन, साइटोकाइनिन या ऑक्सीन। तो फलों को जो पकाने वाला हार्मोन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, इथिलीन। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द ग्रीन सब्सटेंस फाउंड इन द लीव्स ऑफ ट्री कॉल्ड यानी पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, लाइकोपिन या इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्ण हरित। अगला क्वेश्चन अपना, टिक्का डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप यानी टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सरसों, धान, बाजरा या मूंगफली। तो टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, मूंगफली से। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट कॉज लेमन कैंकर डिजीज यानी नींबू का कैंकर रोग किससे होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कवक, जीवाणु, विषाणु या निमोटेड। तो निमोटोड, ठीक है, तो इनमें से जो नींबू का कैंकर रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है या किसकी वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणुओं के कारण। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज अग्निर्जा डिजीज रिलेटेड टू यानी अग्निर्जा रोग किससे संबंधित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सेब, नारंगी,
अंगूर या नारियल। तो अग्नि नीरजा रोग का संबंध किस फसल से है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, सेब से। अगला क्वेश्चन अपना, हु इज द कॉज ऑफ ब्लैक हार्ट इन पोटैटो, यानी आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, तांबे की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी या बोरोन की कमी। तो आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग था, काले धब्बे वाला रोग होता है, वो किसकी कमी से होता है? ऑक्सीजन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन या O2 की कमी से। अगला क्वेश्चन है अपना, द फेमस डिजीज ऑफ पेडी खेरा डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू, यानी धान का प्रसिद्ध खेरा रोग किसके कारण होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण या जस्ते की कमी के कारण। तो धान का जो खेरा रोग होता है, चावल का जो खेरा रोग है, वो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जस्ते की कमी से। अगला क्वेश्चन अपना, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद ऑफ द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति के संबंध में संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोशिका विज्ञान, विकास, अनुवांशिकी या शारीरिकी। तो वंशागति से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन अपना, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, डार्विन, विजमान, मेंडल या डीब्रीज। तो अनुवांशिकी का जनक या अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर, जॉन ग्रेगर मेंडल को। अगला क्वेश्चन अपना, ऑन विच प्लैनेट डिज मेंडल डू द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, यानी मेंडल ने किस पौधे पर संस्करण प्रयोग किया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, मक्का, मटर, टमाटर या चावल। तो मेंडल ने किस पौधे पर संस्करण प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, मटर पर। अगला क्वेश्चन अपना, जीन्स आर मेड ऑफ, यानी जीन्स बने होते हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, डीएनए के, आरएनए के, डीएनए और आरएनए के या प्रोटीन के। तो जीन्स किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए के। ठीक है, अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, आप मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।